लंबे अंतराल के बाद फतेहगढ़ बार एसोसिएशन के सचिव पद की कुर्सी पर बदलाव हुआ है। अधिवक्ता नरेश सिंह यादव ने इस पद पर जीत हासिल की। उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। फूल मौलाओं से जोरदार स्वागत किया। पीपीएफ लाइव पर बताया, क्या नाम है और किस पद के लिए आज चुना गया है आपको अधिवक्ता साथियों के द्वारा? मेरा नरेश सिंह यादव नाम है और मुझे सचिव पद के लिए चुना गया। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद सचिव पद की जो कुर्सी है वो चेंज हुई है, क्या कुछ चेंज हुआ है? पिछले कार्यकाल में कैसा रहा और अब नया क्या कार्यकाल अधिवक्ताओं को कुछ चेंज देखने को मिलेगा? ये परिवर्तन जो है हम लोग बहुत पहले से करना चाहते थे, वो कुछ अराजक तत्वों की वजह से नहीं हो पा रहा था। मैंने पूर्व में भी चुनाव लड़ा था 2013 में और बहुत अच्छे मत मिले थे, लेकिन मुझे सफलता नहीं। इस बार जो हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने जिस आशा के साथ हमारा चयन किया है उस आशा को पूरा करेंगे। जो भी यहाँ पर अराजकता है, जो विध व्यवसायी नहीं है, अन्य कार्यों में लिप्त हैं, उन अधिवक्ताओं को शामिल नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा जहाँ से न्याय के लिए आदमी आता है तो उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो भी अधिकारी अधिवक्ताओं के विपरीत कार्य करने का प्रयास करेंगे उन पर भी कुछ न कुछ लगाम लगाई जाएगी और ये अपेक्षा की जाएगी उनसे कि अगर वास्तव में वो न्याय के रखते दो पहिए अधिवक्ता और बार और बेंच को मानते हैं तो उनको भी साथ उसी तरह देना पड़ेगा। कितना संघर्षपूर्ण रहा ये चुनाव आपका? संघर्ष तो हर चुनाव में रहता ही है, लेकिन इस बार के संघर्ष में जहाँ तक हमें सफलता दी है, मेरा अधिवक्ता समाज सहयोग में रहा है, धन्यवाद। उनके लिए मैं प्रशासन ने भी पूरा सहयोग किया है और हम लोगों ने जो बार काउंसिल से अपेक्षा की थी उनसे भी हमें सहयोग दिया। आपकी जो चुनाव प्रक्रिया थी, जैसे कि सुबह से मतदान हुआ, उसके बाद मतगणना हुई, उसमें जो सुचारू रूप से जैसे कि LED लगाई गई थी, बकायदा CCTV कैमरे लैस रहा, ये सब कैसे हो पाया? पूर्व में ये सब नहीं होता था? नहीं, अब ऐसा है जहाँ पर ये किसी के मन में पारदर्शिता काफ़ी रही, किसी मन में शंका हो कि हमें कुछ गलत करना है तो वो पारदर्शिता नहीं रखता है। हमारी एडर कमेटी की और हम लोगों की हमारे हिसाब से हमारी यही अपेक्षा रही है कि हम लोग एक स्वच्छ चुनाव में व्यवस्था कराएं। अब वो व्यवस्था हमारी हुई, पूरा सभी को दिखाया गया LED लगा करके, कहीं पर भी किसी तरह की कोई गलती। इसी पारदर्शिता से बार एसोसिएशन का जो पालन किया जाएगा जी हो गया पूरी। भविष्य में हम लोग ये आश्वासन देते हैं कि कोई भी गलत कार्य नहीं होने देंगे। जो विगत वर्षों में गिरावट आई है उसको हम पूरी तरह से पूर्व की भांति स्थापित करेंगे।